पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 42.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टीगंज में रिकॉर्ड किया गया। और जैसा कि पूर्वानुमान था कि उत्तर पश्चिमी झारखंड के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनेगी, वैसा देखने को मिला और खासकर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार इन जिलों में आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिली। अब बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में झारखंड के मुख्य शहरों में तापमान कैसा रहा। तो रांची में जो अधिकतम तापमान था वो 38.5 डिग्री सेल्सियस था, जमशेदपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस था और डाल्टीगंज में 42.9 डिग्री सेल्सियस था, बोकारो में 39 डिग्री सेल्सियस था और चाईबासा में लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि आज 8, 9 और 10 ये आने वाले जो 3 दिन है झारखंड के उत्तर पूर्वी और मध्य और जो दक्षिण झारखंड है इनमें आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हल्की से बारिश देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म के टाइम में जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलती हुई देखने को मिलेगी। और अब तापमान की बात करें तो झारखंड में जैसे आज भी हीट वेव की स्थिति उत्तर पश्चिमी जिलों में बनने को देखने गई है और आज के बाद से जो आने वाले 1-2 दिन है वहां झारखंड में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट मिलेगी देखने को मिलेगी और 2 से 3 डिग्री की गिरावट अगले 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात जो अधिकतम तापमान है उसमें 2-3 दिन कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, फिर आगे की स्थिति तापमान में बढ़ोतरी वाली ही देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा अगले 3-4 दिनों में। और वार्निंग की बात रही तो 8, 9, 10 तीन दिन जो है झारखंड के जो इलाके बताए गए खासकर आपके उत्तर पूर्व और मध्य और दक्षिण झारखंड में कुछ भी इलाकों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में आपको विंड भी देखने को मिलेगी, हवा तेज हवा भी देखने को मिलेगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और यही स्थिति अभी झारखंड में देखने को मिल रही है। तो मुख्यतः 3 दिन में थोड़ी आपको जो वेदर है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और उसके तत्पश्चात थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा बट बारिश की संभावना कम ही जताई जा रही है। धन्यवाद।